नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अलका टेलर्स पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से आप उषा जिनोमी 450E मशीन में हैं जो वो डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने मनचाहे कपड़े में निकाल सकते हैं। इस मशीन में आपको दो प्रकार से डिज़ाइन मिलते हैं, एक तो जो मशीन में इनबिल्ट हो, दूसरे जो आप पेन ड्राइव वगैरह से इसमें डालते हैं। जिस प्रकार से आप अपने सामने जो है डिस्प्ले देख पा रहे हैं मशीन की, इसमें आपको सबसे पहले फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेम को जैसे ही आप इस फ्रेम पे सिलेक्ट करते हैं, आपको जिस भी फ्रेम को मशीन में सेट करना है उसको आपको चूज करना पड़ेगा। दो फ्रेम आते हैं, एक तो चकोर आता है, दूसरा एक लंबा वाला फ्रेम आता है 7x11 का। आपको जो भी फ्रेम पे डिज़ाइन चाहिए वो वाला फ्रेम पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो 4 नंबर पर फ्रेम है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो आप ऊपर की तरफ हैं, जो ये आप एक झोपड़ी का या फिर जिसे हट या होम बोलूँ का जो साइन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में डिस्प्ले पे जो सबसे पहले आगे जो फ्लावर का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। ये वो डिज़ाइन है जो मशीन के अंदर हमें मिलते हैं। इन डिज़ाइन में ज़्यादा कोई खास डिज़ाइन नहीं होते जो हम यूज़ में ले सकें, इसलिए हमें अलग से ऐप परचेज करने पड़ते हैं और हम वही जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा यूज में लेते हैं। इसके लिए हमें पेन ड्राइव या कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ती है। ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो मशीन में हमें मिलते हैं, इसकी मदद से हम कोई भी जो नाम है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर जो है अलका नाम जो है वो टाइप कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप कोई भी नाम है वो टाइप कर सकते हैं, इसमें थोड़े बहुत डिज़ाइन आप कर सकते हैं। चलिए अब वो डिज़ाइन बता देते हैं किस प्रकार से आप पेन ड्राइव या कार्ड रीडर को इस मशीन में सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मशीन में साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक जो है वो पेन ड्राइव लगाई है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से 4GB, 8GB, 16, 32 जिस हिसाब से भी आपको पेन ड्राइव या कार्ड रीडर ठीक लगे आप यूज़ में ले सकते हैं। इसमें मैंने ऐप है वो परचेज करके और फिर इसमें जो है वो डिज़ाइन डाले हैं। आप भी कोई ऐप परचेज कर सकते हैं, डिज़ाइनर से डिज़ाइन बनवा के इसमें जो है वो डिज़ाइन डाल सकते हैं। चलिए अब मैंने पेन ड्राइव तो लगा लिया है, अब इसके बाद में मेरे को आगे क्या करना है देखते हैं। ये आपके सामने डिस्प्ले आ गई है मशीन की। अब जो आपको यहाँ पे फोल्डर का निशान बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। ये तो कुछ एक डिज़ाइन है जो मेरे इस में सेव किए। आगे जो आपको पेन ड्राइव का या कार्ड रीडर का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेन ड्राइव या कार्ड रीडर है वो लोड होना है, जो वो इसमें धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हो सकता है ये कुछ टाइम ले लें, क्योंकि क्या होता है ना कि जितने ज़्यादा डिज़ाइन होंगे ये उतना ज़्यादा लोड होने में टाइम लेगा। तो इसमें आप बीच में मशीन बंद मत कीजिएगा और बटन मत दबाइएगा इसके मशीन के बार बार, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। जैसे ही आप इंतज़ार करेंगे तो जो है वो आसानी से आपके ये डिज़ाइन खुल जाएंगे। ये देखिए मैंने अलग अलग फोल्डर बना के डिज़ाइन सेट किए हुए हैं, तो आपके सामने फोल्डर खुल जाएंगे। इनमें से आप किसी भी फोल्डर पर जब क्लिक करेंगे तो वो आपको डिज़ाइन भी दिख जाएगा कि आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए थे वो इसमें है या नहीं। चलिए अब मैं कोई भी एक जो डिज़ाइन है वो इसमें ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैं कोई भी एक डिज़ाइन आपके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करके फ्रेम में कैसे सेट करना है वो दिखा दूँ। चलिए ये हमने डिज़ाइन ले लिया। अब ये देखिए, अब इसमें जो एरिया है ये इसी एरिया में डिज़ाइन बनने वाला है और हमने ये यहाँ पर जो डिज़ाइन सेट कर दिया। यहाँ से आप जो साइज़ है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं इस डिज़ाइन का, 120% तक कर सकते हैं हाई में, और नीचे हम इसको 80 तक ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम साइज़ को भी छोटा बड़ा इस मशीन में मैन्युअली कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करते ही ये जो है वो आपका डिज़ाइन फाइनल हो गया। अब जो आपको मशीन का ये हुप है वो आगे चल पड़ा। अब इसमें आपको क्या करना है, कपड़ा सेट करके फ्रेम में और इसमें फ्रेम लगा देनी है, ये आपका डिज़ाइन चल पड़ेगा। फ्रेम कैसे सेट करनी है इसके लिए अलग से वीडियो बनाइए, आप वो चैनल विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू।